लास्ट ईयर मैं दुबई में था और वहाँ लास्ट डे मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा आखिरी दिन है। बड़ी मुश्किल से मैं इंडिया वापस आया। एक दो दिन बाद रात के 3 बजे एकदम से मेरी आँख खुली। आई फेल्ट लाइक प्यूकिंग और मैंने नोटिस करा कि मेरी वॉमिटिंग से ब्लड आ रहा है। डॉक्टर को बताया एंड नेक्स्ट डे आई वॉज इन दी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के उन 3 दिनों ने ना मुझे रियलाइज करा दिया कि मैं बहुत ही गलत चीज़ के साथ खेल रहा हूँ और मुझे ये पता चल गया दैट आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाना, समटाइम्स आई फील पावरलेस, खुद पे कॉन्फिडेंस सा खत्म हो जाना, हर्ट ब्रेक्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब, यूट्यूब, सब साथ साथ मैनेज करने की हिम्मत ही ना रहना। मुझे लगा यार कि मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन के सिम्टम्स होना या मे बी एक्चुअल डिप्रेशन ही होना। इसके बाद खुद की अचीवमेंट्स पे कोई भी खुशी ना होना, हर चीज़ पे सेल्फ डाउट होना, खुद को पूरा टाइम कंपेयर करना और जेलस होना, जिम जाने की भी कोशिश करना बट कभी भी 1-2 महीने से ज़्यादा कंसिस्टेंट ना हो पाना, खुद के लुक्स से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाना, घर से बाहर कम निकलना और जब भी निकलना मास्क के बिना बिल्कुल ना निकलना, अपने सब्सक्राइबर्स को मिलकर ऑकवर्ड हो जाना बिकॉज यू डोंट फील दैट यू आर गुड एनफ, सुबह लेट उठना बिना किसी एनर्जी के साथ क्योंकि रात को 1-2 बजे तक फ़ोन चलाकर सोना, खुद को कंपेयर करके सोना, पूरे दिन कुछ ना करने के रिग्रेट को लेकर सोना, तो कोई कैसे उठ सकता है एनर्जी के साथ, सही बात है ना। स्क्रीन टाइम 8 घंटे से ज़्यादा हो जाना, रील्स देख देख कर अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाना कि किसी भी काम की वीडियो पे 2 मिनट से ज़्यादा ना टिक पाना और इवेंचुअली वापस रील्स ही स्क्रॉल करना एंड बस पूरा दिन रिग्रेट करना। डाइट के नाम पे दिन की 2 मील्स खाना विद नो प्रोटीन, जंक फूड खाना, मील स्किप करना और जिसके बिना तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी फैमिली सब पीछे छूट जाएंगे ना, तुम्हारी बॉडी उसको फॉर ग्रांटेड लेना। हम क्यों वर्कआउट करें, क्यों डाइट करें, हम तो पैसा कमाने की रेस में बिजी है ना और हमारे पास टाइम कहाँ है। ये सब अब हो चुका और दोस्त तेरे पास अब 100 दिन है खुद को बदलने के लिए। सो गाइज फ्रॉम 10th में आई एम गोइंग टू स्टार्ट 100 डेज चैलेंज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, टू अनलीश माई सुपीरियर सेल्फ। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी मेरा साथ दें इस 100 डेज चैलेंज में। इस चैलेंज में आपको 5 रूल्स डेली फॉलो करने होंगे। सबसे पहला, यू हैव टू वर्क आउट फॉर 1 आवर एवरी डे। फॉर मी इट इज़ गोइंग टू बी वेट ट्रेनिंग, मैं जिम जाने वाला हूँ। आपके लिए ये कोई और स्पोर्ट्स हो सकता है, मेरे लिए ये जिम के अलावा रनिंग भी हो सकता है, किसी दिन योगा हो सकता है और किसी दिन शायद जो मुझे पसंद है साइकिलिंग करना भी हो सकता है, बट यू गाइज हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। सेकेंड इज फॉलोइंग अ डाइट प्लान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको फैंसी डाइट्स खानी है, घर का खाना खाना है। अब तक हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते आ रहे हैं, शुगर खाते आ रहे हैं, अब से हमें शुगर और जंक फूड को अवॉइड करना है एंड मेक श्योर करना है दैट वी ईट सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एवरी डे। थर्ड इज डेडिकेटिंग 1 आवर एवरी डे टूवर्ड्स लर्निंग अ न्यू स्किल, और ऐसी स्किल सीखनी है जो हमें पैसा कमाने में हेल्प कर पाए। जैसे मेरे लिए इट इज कॉन्टेंट क्रिएशन, और भी मैंने बहुत सारी चीजें सोची हैं, लाइक आई वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग, आई वॉन्ट टू लर्न डिफरेंट सॉफ्टवेयर, आई वॉन्ट टू लर्न पावर BI। आपके लिए ये कुछ भी हो सकता है, आपके लिए ये वीडियो एडिटिंग हो सकता है, फोटो एडिटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसी स्किल पे 1 घंटा देना जरूरी है जो हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने में हेल्प करे। फोर्थ इज रीडिंग 10 or more pages ऑफ एनी सेल्फ हेल्प बुक, जो होने वाला है 100 दिन के अंदर 1000 pages, विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 4-5 books, और पूरे साल में 14-15 books हम पढ़ लेंगे। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रिंक इनफ वाटर, 4 लीटर पानी तो रोज पीना ही है कैसे भी। गाइज अगले 100 दिन तक मैं 100 रील्स डालने वाला हूँ, शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, जो मेरे YouTube चैनल और मेरे Instagram पे आने वाली है, जिसके अंदर मैं अपना डेली अपडेट दूंगा कि आज क्या हुआ, क्या मैंने नया सीखा, और उन रील्स के थ्रू मैं अपनी सारी नॉलेज जो भी मैं इस प्रोसेस के थ्रू सीखने वाला हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, सब की सब शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है मुझे Instagram पे, आप वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस चैलेंज के लिए। Instagram, LinkedIn, Twitter तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि
आप सब लोग मेरा इस चैलेंज में साथ कैसे दे सकते हैं। आप सबको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, हम सबको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। ये चैलेंज हम अकेले नहीं कर रहे हैं, चैलेंज हम साथ में कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप नीचे कमेंट्स में आइए और लिखिए दैट यू आर इन फॉर दिस चैलेंज। यू हैव टू यूज टू हैशटैग्स। फर्स्ट वन इज हैशटैग दी सुपीरियर यू, हैशटैग 100 डेज ऑफ हसल विद हरमन सिंह। एंड आपको अपने रूल्स खुद बनाने हैं। मेरे लिए ये 5 रूल्स हैं, अगर आपको जमते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जमते तो अपने रूल्स खुद बनाइए। इंस्टाग्राम पे आके वो रूल्स को पोस्ट कीजिए, हैशटैग्स यूज कीजिए, मुझे टैग कीजिए और बताइए पूरी दुनिया को कि हाँ आप एक चैलेंज ले रहे हैं और अगले 100 दिन तक आप इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम ये चैलेंज अकेले लेने लग गए तो यार हम कब रुक जाएं, हमें कोई देखने वाला थोड़ी है। आपको लिंक्डइन पे कोई पोस्ट लिखनी है, मेरे तक पहुंचना है, कुछ अपनी स्टोरी, कोई लर्निंग मेरे साथ शेयर करनी है जो मुझे भी हेल्प कर पाए और बाकी चैलेंज जो लोग ले रहे हैं उन्हें भी हेल्प कर पाए। इसीलिए यू हैव टू यूज द टू हैशटैग्स, यू हैव टू टैग मी और मैं उन पोस्ट को जरूर से अपनी पूरी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा। आपकी जितनी भी स्टोरीज होंगी उन्हें शेयर करूंगा। आपने कोई पोस्ट शेयर करी है, आपने ट्वीट लिखा है, मैं सबके साथ अगर वैल्यूएबल होगा मैं जरूर से शेयर करूंगा। और ऐसे ही एज अ कम्युनिटी हम इस 100 डेज चैलेंज को अप्रोच करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इस चैलेंज के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। हमने अपना एक पोस्टर बनवाया, एक 100 डेज कस्टमाइज पोस्टर फॉर हरमन सिंह फॉर दी 100 डेज चैलेंज, हैशटैग दी सुपीरियर यू। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दिस पोस्टर इज फ्री फॉर यू ऑल, यू कैन डाउनलोड इट एंड गेट इट प्रिंटेड, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये हमने स्पेशली डिजाइन कराया थैंक्स टू क्षितिज अग्रवाल, वो मेरा सेकेंड सेमेस्टर में रूममेट था IIIT दिल्ली में, वो इस वक्त लंदन में है, ठीक है। उसने अपना टाइम निकाल के हमारे लिए ये पोस्टर बनाया है। लास्ट में एक पावरफुल चीज बोलने वाला हूँ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो मेरे साथ ये चैलेंज लेने वाले हैं और मेरा साथ देने वाले हैं, दैट ऑल ऑफ अस वी आर जस्ट अ डिसीजन अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। और मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ, आप ये वीडियो देखते देखते खुद से प्रॉमिस करो दैट आई एम नॉट लुकिंग द सेम वे एवर अगेन, आई एम नॉट फीलिंग द सेम वे एवर अगेन। आर यू विद मी? See you on 10th May, hashtag the superior you, hashtag 100 days of hustle with Harman Singh. See you guys, milte hain, bye.